हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता आप सबका आपके अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। कमेंट में मुझे कुछ थ्योरम्स करने को कहा गया था, मेरे फ्रेंड्स ने कुछ दिए थे थ्योरम्स मुझे जो मुझे करना था, तो आज बेसिकली मैं वही थ्योरम्स, उन्हीं में से कुछ दो थ्योरम्स लेकर आई हूँ जिनका मुझे आज सॉल्यूशन करना है, आपको बताना है, समझाना है। इन दो थ्योरम्स में से जो एक थ्योरम है वो कॉम्पैक्ट सेट से रिलेटेड है और जो दूसरा थ्योरम है वो कनेक्टेड सेट से रिलेटेड है। तो होप आप सबको पसंद आएगा, समझ आएगा। नहीं समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर जहाँ समझ नहीं आएगा वहाँ समझा दूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। अवर थ्योरम नंबर वन इज थ्योरम नंबर जो वन है उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्पैक्ट सेट्स इज कॉम्पैक्ट। तो इसका प्रूफ हमको देखना है। तो हम जैसे किसी भी थ्योरम को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें जो उसके कीवर्ड्स हैं वो अलग करने हैं और अलग करके उन्हें जानना है कि वो कीवर्ड्स के डेफिनेशंस क्या हैं। तो यहाँ सिर्फ एक ही दिख रहा है, कॉम्पैक्ट सेट। तो इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैं यहाँ प्रूफ स्टार्ट करती हूँ, पहले आप डेफिनेशन देख लीजिएगा उसके बाद ही सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि डेफिनेशन के बिना शायद ही समझ में आएगा, आपको अटक जाएंगे आप बीच में। तो पहले कॉम्पैक्ट सेट का डेफिनेशन देख लीजिएगा, प्रूफ करते हैं। तो लेट क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्पैक्ट सेट्स, तो हमको टू कॉम्पैक्ट सेट लेने पड़ेंगे। तो लेट एक्स एंड वाई बी टू कॉम्पैक्ट सेट्स। अब कॉम्पैक्ट सेट के डेफिनेशन से हम जानते हैं कि कोई भी कॉम्पैक्ट सेट होता है उसका एक ओपन सब कवर होता है, तो हम उसी चीज़ को लेके आगे बनाएंगे ना। तो ये हुआ, अब लेट ओ आई बी द ओपन कवर ऑफ एक्स क्रॉस वाई, यही जो x और y है उसके प्रोडक्ट को हमको कॉम्पैक्ट प्रूफ करना है। तो ओ आई हम लेते हैं x क्रॉस y का ओपन कवर है करके, वेयर i बिलोंग्स टू f, वेयर f इज फैमिली ऑफ इंडेक्स्ड सेट। यहाँ पे हुआ, फिर देन ओ आई इज इक्वल यू आई वी आई, वेयर यू आई बिलोंग्स टू, ये ओ है ना, यू आई बिलोंग्स टू एक्स एंड वी आई बिलोंग्स टू वाई। क्लियरली यू आई इज ओपन कवर ऑफ एक्स, एंड वी आई इज ओपन कवर ऑफ वाई। ठीक है, यहाँ पे यू आई और वी आई का समझ आया। आई तो यहाँ पे इंडेक्स फैमिली, इंडेक्स सेट का फैमिली है। फिर आगे बोला है, अब चूंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों कॉम्पैक्ट है इसलिए देर एग्जिस्ट फाइनाइट सबसेट ए एन वी ऑफ एफ, यहाँ पे जो हमने एफ लिया था इंडेक्स सेट उसके लिए हमने लिया है फाइनाइट सेट ए और बी। तो क्या कहते हैं, यू आई सच दैट आई बिलोंग्स टू ए और वी आई सच दैट I belongs to B है। तब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, therefore
therefore, O I, such that I belongs to A union B, is finite, subcover of O I. और यहाँ पे ओ आई कवर कर रहा है, ये देखो यहाँ पे लिखा है हमने ओ आई ओपन कवर ऑफ एक्स क्रॉस वाई, तो यहाँ पे उसी चीज़ को लिखेंगे ओ आई कवर्स एक्स क्रॉस वाई एम्प्लाइज एक्स क्रॉस वाई इज क्या है कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट प्रूफ्ड, यही प्रूफ करना था हमको, ये कवर प्रूफ करना था, कवर है तो कॉम्पैक्ट होगा ये प्रूफ करना था, हमें ओपन कवर बस मान के चले थे लेकिन ये कवर है, कवर है अगर तो कॉम्पैक्ट है, यही प्रूफ करना था। तो हमारा पहला थ्योरम तो समझ में आया होगा आपको, इजी है एकदम ये वाला थ्योरम। तो हमारा सेकंड थ्योरम समझने की कोशिश करते हैं, थ्योरम नंबर टू। थ्योरम नंबर टू का स्टेटमेंट है सब स्पेस ऑफ रियल लाइन इज, रियल लाइन इज कनेक्टेड, इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज एन इंटरवल, इफ एंड ओनली इफ इट इज एन इंटरवल। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करने से पहले हमें यहाँ क्या पता होना चाहिए, ये रियल लाइन, रियल लाइन तो सब जानते हैं, रियल नंबर्स की लाइन रियल लाइन होती है, कनेक्टेड का डेफिनेशन हमको देखना पड़ेगा और इंटरवल तो पता ही होता है। तो कनेक्टेड का डेफिनेशन मैं डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से आपको जो कनेक्टेड का डेफिनेशन देखेंगे वहाँ एक दो डेफिनेशन और मिलेंगी जिनका यूज़ हम यहाँ किए हुए हैं, तो पहले आप वो देख लीजिएगा उसके बाद इस थ्योरम का सॉल्यूशन देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका प्रूफ है हम कोई रियल लाइन लेके चलते हैं, आर इज रियल लाइन, रियल लाइन, और एस इज सबसेट ऑफ सब स्पेस ऑफ आर। तब जो उसका सफिशियंट अननेसेसरी दो कंडीशंस होते हैं, तो हम सफिशियंट कंडीशन सॉल्व करते हैं, सफिशियंट कंडीशन, सफिशियंट कंडीशन में हम क्या लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे कि लेट एस इज एन इंटरवल ऑफ आर, लेके चल रहे हैं हम कि एस जो है वो एक इंटरवल है आर के लिए, हमने बोला इफ एंड ओनली इफ इट इज एन इंटरवल, तो इंटरवल है ये लेके चल रहे हैं हम, तो इंटरवल है अगर तो कनेक्टेड आना चाहिए, इंटरवल नहीं है अगर तो डिसकनेक्टेड आना चाहिए, यही तो कंडीशन है मेनली। सफिशियंट कंडीशन में कनेक्टेड है सॉरी इंटरवल है ये लेके चल रहे हैं और कनेक्टेड है ये प्रूफ करेंगे, और नेसेसरी कंडीशन में हम इंटरवल नहीं है लेके चलेंगे तो ये डिसकनेक्टेड है ये आएगा। तो इंटरवल है ये मानते हैं, और क्या मानते हैं, ए डिविजिबल बी, ए डिविजिबल बी इज अ सेपरेशन ऑफ एस, ये यही यही डेफिनेशन की मैं बात कर रही थी, ये आपको कनेक्टेड वाले वीडियो में मिल जाएगा इसका। लेट ए बिलोंग्स टू ए, सॉरी बी बिलोंग्स टू बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, और एक और चीज़ है ए लेस देन बी। तो सिंस ए एंड बी बिलोंग्स टू एस एंड एस इज एन इंटरवल, एस इज एन इंटरवल, तो ए बी इज सबसेट ऑफ एस। लेट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए बी,
और B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन AB. तो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन AB. यूनियन बी इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा ना, बी इंटरसेक्शन ए बी इज इक्वल टू. अब ऐसी कंडीशन यूनियन वाली कंडीशन है तो वहाँ के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, क्या होगा उससे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है इसलिए इंटरसेक्शन, और ए बी जो इंटरवल है वो कॉमन है दोनों में इसलिए वो बाहर निकल जाएगा ए. ये हुआ. अब ये एक छोटा सेट है, ये एक बड़ा सेट है, इन दोनों का हम हमको इंटरसेक्शन लेना है. तो हम जानते हैं इस कंडीशन में हमको ए भी मिलने वाला है, तो ए भी मिल गया. ये किसके बराबर मिला, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर हमको मिला है ना. तो इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इसका यूज़ हम आगे करने वाले हैं, इसी को हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे जिससे ये प्रूव होगा कि ये कनेक्टेड है. तो यहाँ तक हुआ. अब बाय द डेफिनेशन ऑफ सेपरेशन ए एंड बी आर, सेपरेशन A and B are close in S. Close है S में, तो क्या होगा इससे, close है इसलिए A complement और B complement, A complement B complement are close in AB, जो इंटरवेल AB है उसमें जो A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट है वो क्लोज होगा करके. अब नाउ सिंस B कॉम्प्लीमेंट इज नॉट इक्वल टू 5 एंड B इज बॉन्डेड बिलो, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इन्फिमम बी डैश बी कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट्स. तो यहाँ पे से क्या होगा, जो बी कॉम्प्लीमेंट है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाएगा ए के. वहाँ पे शुरू में हमने लिया था, क्या लिया था, ए इज लेस देन बी, तो यहाँ से भी हम मान सकते हैं कि ये बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होगा ए के. तो इम्प्लाइज बी कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज इन, जो रियल लाइन आर हमने लिया था उसमें, हेंस फ्रॉम क्लोजर ऑफ रियल इंटरवल इज क्लोजर ऑफ रियल इंटरवल इज क्लोज्ड रियल इंटरवल, क्लोजर ऑफ रियल इंटरवल इज क्लोज्ड रियल इंटरवल, ये हमको पता है. तो क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट. ये हुआ. अब इसी तरह से सिंस ए बिलोंग्स टू ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि बी कॉम्प्लीमेंट इज ग्रेटर देन ए. ठीक. नाउ लेट A complement is equal to A complement intersection A B interval.
शुरू में एक जगह हमने लिया था, कहाँ पे? यहाँ पे, ये ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए बी, जो इंटरवल है वो। तो यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो ए की जगह में कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सिंपल सी बात है, यही चीज़ हमने लिखा है। देखा है यहाँ पे, ए डबल कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए बी, जो इंटरवल है बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा उसमें। तो यूजिंग द सेम आर्ग्यूमेंट एज तो यूजिंग द सेम आर्ग्यूमेंट एज फॉर बी कॉम्प्लीमेंट, यही आर्ग्यूमेंट अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज करते हैं तो क्या आएगा? वी हैव दैट क्या है हमारे पास, कि ए कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सुप्रीमम ए डबल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए डबल कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट एंड ऑल्सो ए डबल कॉम्प्लीमेंट इज लेस देन बी कॉम्प्लीमेंट। Now, A complement B complement जो इंटरवल है, इंटरसेक्शन A complement इज इक्वल टू 5। इसी तरह से A complement complement B complement इंटरसेक्शन B complement इज इक्वल टू भी 5 होगा। अब इन दोनों को अगर कंबाइंड किया जाए तो क्या निकलेगा हमारे पास? एक कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 आएगा। अब सिंस ए लेस देन ए डबल कॉम्प्लीमेंट लेस देन बी कॉम्प्लीमेंट लेस देन बी, हमने जो तीन चार चीज़ें निकाली हुई हैं उन सबको हम कंबाइंड करके लिख रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसा हुआ। तो इससे हम क्या, वी हैव ए कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ इंटरवल ए बी। अब ये ए बी का नॉट इक्वल 5 है ये हम जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि ये जो है वो नॉट इक्वल 5 है। कहने का मतलब ये कि ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इज नॉट इक्वल टू 5। सो देयर इज एन एलिमेंट इम्प्लाइज जेड बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट ए डबल कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरवल। इन ये कहाँ है, ये कहाँ है? इन ए बी which is not in a complement union b complement, ये इसमें नहीं है, लेकिन ये contradiction है 1 का, contradiction of equation 1। इक्वेशन वन क्या था हमारे पास? इक्वेशन वन में हमने ये निकाला था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इंटरवेल ए बी, जबकि यहाँ पे क्या बोला है, ये जो ए बी है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, ये आ रहा है एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। इसलिए इट फॉलोज दैट that there can be no such separation जो ए बी हमने सेपरेशन किया था ए बी ऑन द इंटरवल
ऑन द इंटरवल एस विच इम्प्लाइज एस इज कनेक्टेड. तो ये तो हमने एक सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ किया है, अब हमको इसका नेसेसरी कंडीशन भी प्रूफ करना है. तो नेसेसरी नेसेसरी कंडीशन प्रूफ करने के लिए क्या लेंगे, सपोज एस इज नॉट एन इंटरवल, एस इज नॉट एन इंटरवल. हम शुरू में इंटरवल है ये लेके चले थे, तो एस कनेक्टेड है ये प्रूफ किया था. अब यहाँ पे हम नॉट इंटरवल लेके चल नॉट एन इंटरवल लेके चल रहे हैं, तो हम एस जो है वो डिसकनेक्टेड है ये प्रूफ करेंगे. तो ये इंटरवल नहीं है, इंटरवल नहीं है आर के लिए. देन देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू एस एंड देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू एस एंड जेड बिलोंग्स टू आर. इस आर में हमको एस नहीं मिलना चाहिए. सच दैट एक्स लेस देन जेड लेस देन वाई. ठीक. कंसाइडर द सेट्स एस इंटरसेक्शन, एक इंटरवल लिया कौन सा, एक सेट लिया है माइनस इन्फिनाइट टू जेड एंड एस इंटरसेक्शन जेड टू प्लस इन्फिनाइट. तो देन बोथ आर ओपन इन एस. ये जो दोनों हमने ऊपर में लिए हैं तो बोथ आर ओपन इन एस, बोथ आर ओपन इन एस. नाइदर इज एम्प्टी, दोनों जो बोथ है आर नॉट एम्प्टी, सॉरी बोथ आर नॉट एम्प्टी एस. फर्स्ट वाले के लिए एक्स है एलिमेंट और सेकंड वाले के लिए वाई है एलिमेंट ना. दे आर डिसजॉइंट है क्योंकि जो जेड है वो एस में नहीं है. हमने शुरू में लिया था कि जो जेड है वो बिलोंग कर रहा है आर में, और उस आर में हमको एस नहीं लेना है, इसलिए जो दोनों सेट हैं वो डिसजॉइंट है और दोनों का यूनियन आएगा, यूनियन ऑफ बोथ सेट इज एस. बोथ है सेट एस आएगा क्योंकि जेड क्या है वो नॉट बिलोंग्स टू एस, हमने शुरू में ही लिया था. देयरफॉर एस इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनाइट टू जेड डिविजिबल एस इंटरसेक्शन जेड टू प्लस इन्फिनाइट इज अ सेपरेशन ऑफ एस विच इम्प्लाइज एस इज डिसकनेक्टेड. हमने शुरू में नॉट इन इंटरवल लिया था तो डिसकनेक्टेड आया, यही प्रूफ करना था हमको. तो इन दोनों नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशंस है हमको जो हमारा मेन थ्योरम था वो प्रूव हुआ मिलता है. इस तरह से हमने आज का दोनों थ्योरम कंप्लीट किया है. होप आप सबको पसंद आया होगा. मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.